रिक्शे से ऐसे पकड़ के चले जाओ मनमर से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं अभी स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ। अभी जाते हैं, देखते हैं इधर से ऑटो मिलता है कि नहीं, वरना आगे से लेना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं और अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस जगह की बहुत ज़्यादा याद आएगी और स्टूडियो के सबसे ज़्यादा याद आएगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पर था। तो अभी निकलते हैं स्टेशन के लिए और CSMTV टाइम पर पहुँचना है ताकि उधर का भी ब्लॉग बना सकूँ। और अभी मैं अकेले ही जा रहा हूँ, आरवी नहीं जा रहा है क्योंकि अभी उसकी क्लासेस बची हुई हैं। क्लासेस मेरी भी बची हुई थी लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के साथ वो ड्रिल कर लिया था लॉकिंग का, 6 दिन का क्लास बचा हुआ था। तो अभी उसकी क्लासेस है तो अभी वो क्लासेस करेगा, वो बाद में आएगा और फिर हम लोग साथ में ही बाद में एग्ज़ाम देंगे। अभी मैं बैग लेकर के रेडी हो गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है बैग, तो अभी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया यार। पूरी सोसाइटी में सन्नाटा इस टाइम में, कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसे तो रात में सब चिल्लाते रहते हैं, अभी कोई नहीं दिख रहा है। ऑटो तो खड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। वैसे ही मुंबई है यार, मुंबई में नहीं मिलेगा ऑटो तो कम। अभी मैं स्टेशन तो पहुंच गया हूं और अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं जाकर के पहले लोकल की, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी टिकट ले लिए हम लोगों ने और पहले हम लोग दादर जाएंगे और फिर दादर से स्लो लोकल से CSMT जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग वेस्टर्न लाइन पे हैं और CSMT सेंट्रल लाइन पे पड़ता है, तो भी हम लोग को बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो भी चलते हैं। और यार भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बाकी लोकल में देखते हैं बैठने को मिलता है कि नहीं, वैसे तो बहुत ही कम ही मिलता है बैठने को, बाकी देखते जाकर के। बहुत ही अच्छा यार स्टेशन है। प्लेटफॉर्म 15 पे ही हमारी ट्रेन आएगी, तो अभी वहीं पे रुक के वेट करते हैं। रास्ता बैंड बज गई लोकल से ट्रैवल करने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही एक रास्ता भी रहता है ज़्यादा दूर ट्रैवल करने के लिए। बाकी रोड ट्रांसपोर्ट से तो काफ़ी ट्रैफिक इश्यूज रहते हैं, लेकिन कैसे भी करके अभी मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया हूँ और ये ट्रेन खड़ी है और अभी बस 5-10 मिनट में चलने वाली है। तो अभी सीट पर बैग रख दिया है तो मैंने सोचा थोड़ा सा बातचीत कर लूँ, ब्लॉग बना लूँ। तो अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि जा रहा हूँ यहाँ से, इधर ये आदमी पीछे ब्लॉग बना रहा है। रात में सब खैरियत है और 5:49 बाय। बाय। अभी मैं पीछे घर आ गया हूँ और अभी जा चुका हूँ, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ इस जगह, बाकी देखते वापस कब आता हूँ।
हमें जुनून लगना चाहिए ना, ऐसे मैं किसी सबको दे दूंगा तो पीने चला जाएगा, फिर भगवान हमें माफ करेगा? ऐसा गलत काम नहीं करेगी। जाओगे बहुत रिलेटिव, लेकिन किसके पास नहीं मांग सकते ना जाके। तो ये अब कहाँ, ये तो लखनऊ जा रही है ट्रेन, सीढ़ी कैसे जाऊँ? मैं नासिक उतर जाऊँगा, वहीं से दूसरा गाड़ी पकड़ूंगा। ये मनमाड़ नहीं उतरी, सीढ़ी जाने के लिए मनमाड़ से हो गया। ये बात सच है क्या? पता कुछ सीढ़ी जाने के लिए मनमाड़ होके जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है मनमाड़ होके जाना पड़ेगा ना? मनमाड़ से दूसरा ट्रेन जाता है, साई नगर जाता है। अब मोबाइल में चेक कर दो, आपको पास होगा। तो तुम्हारा 20 रुपये में हो जाएगा? उधर से ऐसा रिक्शा से ऐसा पकड़ के चले जाओ मनमाड़ से, कोई पैसा वाले मिल गया तो ऐसे चले जाओ। कितना किलोमीटर पड़ता है वहाँ से? मनमाड़ से 30 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, मैं 20 रुपये दे दूँ, कोई बात नहीं। पर बच के रहा करो। नहीं नहीं, आज आगे नहीं, इधर आने का नहीं, हमारे ये सिगरेट में कोई चोर नहीं होता। भाव जी आपका तो क्या हो गया? आप कहाँ तक जाओगे? अब मैं जहाँ जहाँ तक जाऊँ मतलब, फिर भी आप ले लो 20 रुपये, और मेरे पास ज़्यादा है नहीं, कोई देता नहीं है, ऐसे ट्रस्ट नहीं करता किसी के ऊपर, वो अपना बच के रहना चाहिए। अभी आप स्टैंड पे बच के रहो। मैं बोला ऐसे दो ड्रेस चूड़ी कपड़ा था, तौलिया था, साबुन था, कोई इतना तो कोई नहीं लेता यार, सच बता रहा हूँ। अरे जी मार देते, उनको क्या है दोनों में अंदर क्या निकलता है क्या है? मैं बॉम्बे में 6 साल से रह रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। 6 साल से रह रहे हैं, होता नहीं है किसी के साथ ऐसा। ओके ठीक है, ठीक है। अरे अरे ये तुम्हारा लड़के की तरह हूँ मैं, इसे मैं नौ स्टेशन में उतर गया हूँ और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। ट्रेन का सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मेरे साथ दो भैया भी थे और वो लोग लखनऊ जा रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बोरिंग नहीं फील हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा। तो अभी काफ़ी टाइम बाद उन्नाव आया हूँ और स्टेशन में तो काफ़ी टाइम बाद ही आया हूँ। वो सामने मनोरंजन स्वीट्स है, उन्नाव में जो लोग रहते हैं वो समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं। तो अभी इधर लाइन लगी है और सबका टिकट चेक हो रहा है। ये यहाँ पे बड़ा चौरा है, इसे बड़ा चौरा कहते हैं। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल।